बैंगन लेके आया, मोस्ट हेटेड सब्जी इन द वर्ल्ड, सबसे ज़्यादा इसको नापसंद किया जाता है। कौन से टमाटर उठाएं और कौन से टमाटर छोड़ दें, कौन से सेब उठाएं और कौन से सेब छोड़ दें। अच्छा, एक होती है ना चीज़, उसके साइज़ में फ़र्क होता है या फिर उसके कलर में कुछ फ़र्क होता है, वो चीज़ तो समझ आती है कि यार ये अपने कलर की वजह से तो इसकी ये प्राइस है तो ये चीज़ लेते हैं या वो चीज़ लेते हैं। लेकिन आप यकीन करें, टमाटर और जब यहाँ पे एप्पल्स लेने की बारी आती है, सर चकरा के रह जाता है। अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज निकली हूँ अपने घर से रमज़ान के लिए कुछ चीज़ें लेने, जो कि ख़त्म हो चुकी थी घर से, और जो चीज़ें हमें चाहिए थी कि ये हमारे घर में ज़रूर होनी चाहिए रमज़ान स्टार्ट होने से पहले पहले, इनका तो होना लाजमी है। अब रमज़ान में भी कुछ चंद ही दिन बचे हैं, अब कुछ दिनों बाद तो हम सब रोज़े से होंगे, पहली सहरी होगी, और वो सोच के सारा कुछ इतनी एक्साइटमेंट होती है ना। और अगर हम दूसरी तरफ देखते हैं तो ऐसे लगता है जैसे अभी कल की बात थी, कल रमज़ान आया था और अभी फिर साल इतनी जल्दी गुजर गया, टाइम में बरकत नहीं रही, और जो साल है वो महीनों की तरह और जो महीने हैं वो दिनों की तरह गुजरते जा रहे हैं। इससे पहले कि आप लोगों के क्वेश्चन आए कि आप किस मार्केट में गई थी और ये कौन सी जगह है, तो मैं आपको खुद ही बता देती हूँ। ये जिस सिटी में मैं रहती हूँ, मेरे सिटी का नाम है डुइसबर्ग। इसका भी बहुत ज़्यादा आप लोगों का क्वेश्चन आता है, कुछ लोग नए आते हैं वीडियोस पे, जो पहली दफ़ा वीडियो देख रहे होते हैं तो वो फिर लोग पूछते हैं कि आप किस सिटी में रहते हैं, आप कौन से मतलब की जगह पे रहती हैं। तो मेरा जो सिटी है इसका नाम डुइसबर्ग है, और डुइसबर्ग में तकरीबन 80 से 90% अगर मैं कहूँ ना तो गलत नहीं होगा, यहाँ पे तुर्किश कम्युनिटी है और जगह जगह पे तुर्किश मार्केट्स भी बनी हुई हैं। इस बात में कोई शक नहीं है, कोई इनकार नहीं है, जर्मनी के हर शहर में ही तुर्किश मार्केट्स हैं, हलाल मार्केट्स जगह जगह पे आपको मिलती हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा ही हैं। तो ये भी एक यहीं पे मार्केट, और इस मार्केट का मुझे आज भी याद है जब ये नई मार्केट ओपन हुई थी और हम इसमें पहली दफ़ा आए थे, डेपो मार्केट इसका नाम है। और अब इनकी इतनी अल्लाह ताला ने इन्हें इस मार्केट में तरक्की दिया कि इस दफ़ा जब मैं आई हूँ तो मैंने देखा कि इन्होंने मार्केट को ज़्यादा खुला कर लिया, और इस तरह के इन्होंने सामान रखने के लिए इन्होंने ये जो सेक्शन है ये भी ज़्यादा किए हैं, क्योंकि इनकी और जो यहाँ पे लोग पे करते हैं जो कासे होते हैं वो भी इन्होंने ज़्यादा किया, क्योंकि इतना यहाँ पे रश होता है, इतना ज़्यादा इन्होंने सामान रखा हुआ है और इतनी ज़्यादा इनकी यहाँ पे वो लोग आते हैं और इतनी इनकी मार्केट चल रही है। अच्छा, अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा पेठा आया हुआ था, पेठा यहाँ पे बड़ा आम मिलता है, पेठे मिलते हैं, आप उस पेठे से हलवा भी बना सकते हो, कुछ लोग तो सालन भी बनाते हैं, और इन्होंने कट करके रखा होता है और अच्छी खासी मतलब एक्सपेंसिव होता है पेठा। हम लोग तो मेरे ख्याल से हलवा बनाने के लिए ही लेते हैं। और ये आगे मशरूम्स, इनको हम बचपन में कहा करते थे सांपों का घर, और जब मैंने ये देखे तो मुझे वही चीज़ याद आ गई कि सांपों के घर आ गए, हम तो इसको सांपों का घर कहा करते थे, लेकिन ये इतने मज़ेदार होते हैं, अगर आप पिज़्ज़ा के ऊपर लगा के खा रहे हैं तो भी मज़ेदार, अगर आप इसकी सॉस बनाते हैं ना स्पेशली स्टीक के साथ तो मज़ा ही आ जाता है। यहाँ पे राइस की इतनी ज़्यादा इन्होंने वैरायटी रखी होती है, और ये जो वाले राइस जैस्मिन राइस थे, और ये भी तकरीबन हमारे जो राइस होते हैं उनसे मिलते जुलते होते हैं, कोई ख़ास फ़र्क नहीं होता। और यहाँ पे इन्होंने पनीर रखा हुआ था, यहाँ पे खोया भी पड़ा हुआ था, खोए से तकरीबन आप कह लें कि खोए का भाई बहन पड़ा हुआ था, उसमें कोई ज़्यादा वो फ़र्क नहीं था। और इस साइड पे सारे पड़े हुए थे, ऑलिव्स पड़े हुए थे, हर तरह के, हर रंग के, हर नस्ल के ऑलिव्स पड़े हुए थे। अगर आप तुर्किश मार्केट में चले जाते हैं ना तो आपकी जो 50% तक देसी ग्रोसरी होती है ना वो भी आपको यहीं से मिल जाती है। ये इसके ऊपर इन्होंने लिखा हुआ भी है लिटरली, पनीर इनकी अपनी वो तुर्किश मार्केट में ही रख इन्होंने लिखा हुआ था। हर तरह की आपको दाल मिलती है, बस दो दालें हैं जो यहाँ पर नहीं नज़र आती, एक है वो मूंग की और एक माश की, ये दो दालें छोड़ के आपको हर तरह की दाल नज़र आती है। और 5-5 kg के इन्होंने वो नीचे मसूर की दाल के रखे हुए होते हैं, ये भी मसूर की दाल हर कलर में रखी हुई है, चने मिल जाते हैं, इवन के चने की दाल भी आपको यहाँ से मिल जाती है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको यहाँ से ही मिल जाती हैं, और बस चंद ही चीज़ें बचती हैं जो कि आपको अपने एशियन स्टोर से लेने पड़ती हैं। सामान मैंने क्या क्या लिया मार्केट से, कौन कौन सी चीज़ें मैंने ख़रीदी हैं, वो मैं आपको वीडियो में आगे चल के घर में जाके डिटेल से बताऊंगी। अच्छा, इसके अलावा मुझे काफ़ी ज़्यादा ये भी क्वेश्चन आया था कि आपने इमली कहाँ से ली और आलू बुखारा आपने कहाँ से लिया। आलू बुखारा भी और इमली भी आपको किसी भी एशियन स्टोर से मिल जाए। Thank you.
चाहे तो वो पाकिस्तानी दुकान हो, शॉप हो, या फिर वो कोई श्रीलंका की शॉप हो, या किसी कोई भी एशियन स्टोर क्यों ना हो, आपको इमली भी वहाँ से मिल जाती है, आपको आलू बुखारा भी वहाँ से मिल जाता है। और अगर आपका पाकिस्तान चक्कर लग रहा है या अनकरीब आए हैं, तो बेहतर है कि आप वहाँ से अपने साथ ले आएँ कुछ अरसे के लिए, तो आपके साथ ये चीज़ें चल जाती हैं। तुर्किश मार्केट से जब हम फ्री हुए, वहाँ से हम जब चीज़ें ले चुके थे, तो मुझे जाना था पोको मार्केट, और पोको मार्केट से मुझे दो तीन चीज़ें ही ऐसी लेनी थी जिनकी मुझे ज़रूरत थी, और वो उस मार्केट के सिवा किसी भी और मार्केट से नहीं मिलनी थी। हालांकि मैंने ट्राई भी की थी, थोड़ा बहुत मैंने कोशिश की थी कि मुझे पोको का फेरा ना ही पड़े, लेकिन इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। मुझे लगाना है पर्दा, और पर्दा मुझे चेंज करना था, तो उसके लिए मुझे कुछ चीज़ें चाहिए थी। अच्छा, आप घर का सामान के लिए आप पर्दे लेना चाह रहे हैं, बर्तन लेना चाह रहे हैं, या कुछ भी आप ऐसा लेना चाह रहे हैं, तो आप पोको का विज़िट ज़रूर करें। आपको बजट फ्रेंडली बड़ी अच्छी चीज़ें यहाँ से मिल जाती हैं, और काफ़ी ज़्यादा इनके पास वैरायटी भी होती है, और ग्लास इनके पास, बर्तन इनके पास काफ़ी होते हैं, मतलब हर रेंज में होते हैं। अगर आपका बजट इतना नहीं है, तो भी आपको अपने बजट के अकॉर्डिंग बड़ी अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे एयर फ्रायर, मिनी एयर फ्रायर इन्होंने रखे हुए थे, जो कि मुझे काफ़ी मुनासिब कीमत पे लगे हैं। अगर आप दो बंदे हैं घर में, तो मुझे लगता है कि ये एयर फ्रायर आपके लिए मोर देन इनफ है। 30 यूरो का इन्होंने लगाया था, और अब आप ख़ुद देखें कि 30 यूरो में क्या चीज़ आती है। अगर आप अब एयर फ्रायर लेते हैं ना, जो कि मैं वो इसमें साइज से भी बड़ा है, और उस पर कुछ डिस्काउंट चल रही थी, वो 110 यूरो का था मेरे ख्याल से, तो उससे हमें फिर कम कीमत पे करके वो 80 या 90 यूरो के करीब मिला था मुझे, तो उसके लिए ये बेस्ट ऑप्शन है। और बच्चे बड़े शौक से खाते हैं, जो बच्चे गोश्त से दूर भागते हैं उनके लिए ये बड़ा ही अच्छा ऑप्शन है। और ये हिलाल, हिलाल लिखा हुआ है उन्होंने अपने तरीके से लिखा हुआ है, तुर्किश मार्केट से ये हम लेके आए हैं। इसके साथ ही ये वाली ब्रेड मैं लेके आई हूँ, इसके ऊपर एक्स्ट्रा इन्होंने लिखा हुआ भी है कि ये वेजिटेरियन लोगों के लिए ही है, लेकिन हमें दूसरी मार्केट से जो ब्रेड मिलती है उसमें अल्कोहल होती है, वो हम नहीं खा सकते, तो इसलिए हमें स्पेशल ये या तो देख के लेना पड़ती है दूसरी मार्केट से, या फिर हमें मोस्टली हम ऐसे ही करते हैं, अगर तुर्किश मार्केट से ही हम जाते हैं, वहीं से लेके आते हैं। तो ये दो पैकिंग ये लेके आई हूँ, सैलड चाहिए था वो ख़त्म था, और खजूरें चाहिए थी, खजूरें पहले भी थी हमारे घर में, लेकिन मुझे लगता है वो अब कम हो गई या ख़त्म हो चुकी हैं, तो फिर और ये चाहिए थी, ये लेके आए हैं। बैंगन लेके आया, मोस्ट हेटेड सब्ज़ी इन द वर्ल्ड, सबसे ज़्यादा इसको नापसंद किया जाता है, लेकिन आप यकीन करें यहाँ पे आप बैंगन की कदर देखें, सबसे महंगा बैंगन आपको मिलता है कुछ 4-5 यूरो का, कभी कभार तो एक पीस ही आपको दूसरी मार्केट से मिलता है। इन शॉर्ट ये कि जितना आपको गोश्त महंगा मिलता है ना, मटन जहाँ से, उतना ही महंगा आपको ये भी मिलता है, इसकी इतनी यहाँ पे वैल्यू, और लोग इसको बेचारे को इतना हेट करते हैं, इतना नापसंद करते हैं, हालांकि अगर अच्छे तरीके से बनाया तो मज़ेदार बन जाता है ये भी। इसके अलावा ये लेके आए हैं गोर्स, ये हम शायद ग्रिल करें रमज़ान से पहले, तो उसमें फिर ये बनाएंगे, देखें फिर, इरादा तो खैर मेरा 6 माह से है, लेकिन देखें कब बनता है, अल्लाह ताला का हुक्म कब होता है, इरादे तो दिन में 2-3 बन जाते हैं कामों के जो होते नहीं हैं। और टमाटर लेके आए थे, आपने देखा कितनी ज़्यादा वहाँ पे टमाटरों की भी किस्में थी, तो उनमें से ये फिर मैं लेके आई, चीप ऑप्शन अच्छे ऑप्शन और चीप ऑप्शन। और जितनी आपने सेबों की एग्जाम देखी, उनमें से भी ये वाले सेब मैं लेके आई हूँ। अब ये इनका नहीं था मुझे पता, ये मेरे हस्बैंड ने ही लिए हैं, तो ये कौन से वाला ऑप्शन है, महंगा ऑप्शन है या सस्ता ऑप्शन है। उसके अलावा हम लेके आए हैं कीमा, ये भी था घर में ऑलरेडी था, लेकिन ख़त्म होने के करीब था, तो ये हमें मिला है, 2 kg हम लेके आए हैं। ये इसका वज़न है 5 यूरो kg था, और ये इसका टोटल इसकी प्राइस थी। तो ये फ़िलहाल अभी हम सामान लेके आए हैं। ये एक नाइफ़ मैं लेके आई हूँ, दंदानों वाली नाइफ़, ये मुझे एक अच्छा ऑप्शन लगा, 1 यूरो के करीब इसकी प्राइस थी, तो ये मैंने रख ली। जब आपको 1 यूरो के करीब चीज़ें नज़र आती हैं ना, आपको उनकी ना भी ज़रूरत हो, तो भी आप रखी जाते हैं, सस्ती हैं सस्ती हैं। उसके अलावा हम पोको मार्केट चले गए, मुझे लगाना है पर्दा, उसके लिए मुझे ये चीज़ चाहिए थी। हमारे घर में रॉड वाले पर्दे नहीं लगा रहे, क्योंकि छत के अंदर ही कुछ उन्होंने इंसर्ट किया होता है, उससे फिर आपने ये चुटकियाँ होती हैं, ये आपने पर्दों के ऊपर अटैच करनी होती है, पहले ये चीज़ आती है, फिर इसके अंदर ये चुटकियाँ जाती हैं, तो फिर आपने इनको लगाना होता है।
तो ये मैंने पर्दा चेंज करना है तो आपको दिखाऊंगी कि कौन सा पर्दा लगाया। ये फिलहाल चीज़ें हम लेके आए हैं क्योंकि ये चीज़ें घर में ख़त्म थी। इसका ये मतलब नहीं है कि और सामान नहीं आएगा। वीक में एक दो दफ़ा मार्केट चक्कर, दो दफ़ा तो मस्त है ना, तो साथ साथ फिर सामान आता रहता है। फल और सब्ज़ियाँ फ्रेश ही अच्छे होते हैं, तो फिर बाकी जो फ़िलहाल इनकी ज़रूरत थी तो बाकी फिर सामान आता ही रहेगा।